और गाइस मैंने जो आप लोगों से बोला था IQ9 SE, IQ Neo 6 और Realme XR Max के ऊपर बहुत जल्दी हम लोग वीडियो लाने वाले। और गाइस ये पर फोन हमारे पास आ चुका है। सो ये है हमारा IQ का Neo 6 और यहाँ पे है Realme XR Max और IQ 9 AC जो है उससे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस तीनों फोन हमारे पास, वीडियो यहाँ पे कैमरा चल रहा है। सो गाइस तीनों फोन हमारे पास अवेलेबल है। और गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप तीनों फोन से कोई भी फोन को गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं। और गाइस चलिए यार दोनों फोन को हमने ले लिया है और देखो अभी चलते हैं। और गाइस Realme XR Max को हमने कैमरा के लिए यूज किया। नेक्स्ट दिन आप लोगों को IQ 9 AC वर्सेस Realme XR Max का साइड बाय साइड गेमिंग कंपैरिजन ऑल कंपैरिजन वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप लोग जाके कमेंट करो आपको वीडियो चाहिए फिर नहीं। और IQ Neo 6 वर्सेस Realme XR Max दोनों का कंपैरिजन मैंने पहले से अपलोड किया है, तो गाइस आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा जहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस दोनों ही फोन को हमने रिस्टार्ट कर दिया और लेफ्ट साइड में IQ का 9 AC और राइट साइड में IQ का Neo 6 आप लोग को फिर से एक बार दिखा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। सो गाइस पर दोनों ही फोन में हम लोग रिबूट करते हैं, दोनों फोन को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ओपन होता है। सो गाइस रिबूट टेस्ट देख के हम लोग पता नहीं कर सकते वैसे कौन सा फोन फास्ट है, लेकिन भाई पे दोनों ही फोन सेम है, सेम कंपनी के, दोनों में सेम एमुनेशन है। अगर एमुनेशन अलग आता है, सोचो हमने रियलमी के साथ MI का किया, IQ MI का किया, वो अलग होता है, उसके अंदर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर दोनों ही फोन सेम कंपनी से आता है, IQ की तरफ से IQ 9 AC और IQ Neo 6, तो गाइस यहाँ पर ये कंपैरिजन कर सकते हैं, देखते कौन सा फोन फर्स्ट ओपन होता है, तो उसको हम एक पॉइंट देंगे। तो गाइस यहाँ पर IQ 9 SE फर्स्ट लॉन्च हो चुका है, ओपन हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। सो गाइस पासवर्ड से ऑन करते हैं और IQ Neo 6 अभी ऑन हुआ है। तो गाइस चलो यार IQ 9 AC को भी ऑन कर दिया हमने। तो गाइस दोनों ही फोन में हम लोग एप्लीकेशन को सिमिलर मतलब साइड बाय साइड जा दिया है। और गाइस यहां पर हम लोग करने वाले सबसे पहले स्पीड टेस्ट। सबसे पहले आप लोग दिखा देते हैं यहां पर दोनों ही फोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। और गाइस यहां पर दोनों ही फोन का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट था दोनों ही फोन में मैंने करके रखा है लेटेस्ट अपडेट, तो गाइस जाके वो भी आप लोगों को प्रूफ दिखा देते हैं। दोनों ही फोन में आप लोग देख सकते हो पर 8GB का रैम है। तो गाइस राइट साइड का IQ Neo 6 में स्नैपड्रैगन 870 लगा है, लेफ्ट साइड में आप लोगों को IQ 9 AC देखने को मिल जाता है जिसमें गाइस यहां पर स्नैपड्रैगन 888 का पावर देखने को मिल जाता है। तो गाइस देखते हैं कौन सा फोन ज्यादा फास्ट है, तो स्पीड टेस्ट करेंगे और देख सकते हो दोनों ही फोन हमने सेम वाईफाई से कनेक्टेड किया। टाइम भी आप लोग देख लेना और पर आप लोग को बैटरी भी देख सकते हो गाइस, बैटरी का चार्ज परसेंटेज। सो गाइस देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन होता है, कितना हीट होता है, कौन सा फोन ज्यादा हीट होता है। दोनों ही फोन मैंने इतनी देर तक यूज नहीं किया था, सेम टाइम से स्टार्ट किया, बहुत देर से बंद था। सबसे पहले गाइस व्हाइट स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लॉक था, सॉरी यार लॉक को हटा के फिर से करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले व्हाइट स्टूडियो से स्टार्ट करेंगे फिर से यार गलती हो गया, तो चलिए यार फिर से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर दिया हमने व्हाइट स्टूडियो से, और गाइस व्हाइट स्टूडियो आप लोग को IQ Neo 6 थोड़ा सा पहले ओपन हो चुका है पर, और अभी चलते क्रोम पे। सो क्रोम गाइस यहाँ पर IQ 9 AC में थोड़ा सा फास्ट हुआ है, अभी चलते प्ले स्टोर में। सो प्ले स्टोर 9 AC में थोड़ा सा पहले हुआ है, एक बराबर ही आप लोग बोल सकते हो। फेसबुक दोनों ही फोन में सेम टाइम पर ओपन हुआ है। और गाइस यहाँ पे चलते फ्लिपकार्ट पे, सो देखते हैं गाइस फ्लिपकार्ट कौन सा फोन में पहले ओपन कर देता है। तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर मेरे को लगा कि IQ Neo 6 में थोड़ा सा फास्ट ओपन है, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है और आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा फोन में फर्स्ट लोडिंग हुआ, तो गाइस दोनों ही सेम है, आप लोग बोल नहीं सकते कि इस फोन में इंटरनेट फास्ट था इसलिए पहले ओपन हुआ। तो गाइस दोनों ही फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड था। और ये बार करते हैं इंस्टाग्राम को ओपन, और गाइस इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है दोनों ही फोन सेम टाइम पे। यूट्यूब भाई यहाँ पर 9 AC में थोड़ा सा पहले ओपन, फिर से करके देखते हैं। ओके सो गाइस चलिए यार रीजन से हटा दिया हमने IQ Neo 6 को, अभी हटा देते हैं। तो अभी चलते यूट्यूब को फिर से ओपन करते हैं, और यहाँ पर IQ 9 AC फर्स्ट ओपन हुआ है। और अभी चलते NCR पे, सो इंशियार देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन पहले ओपन, कौन सा फोन ओपन करता है। सो IQ 9 AC थोड़ा सा पहले ओपन कर दिया, ज़्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा सा पहले। तो गाइस डे टू डे लाइफ यूज़ में आप लोगों को ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी पिक्सार्ट को ओपन किया हमने, तो OLX देखते हैं। तो गाइस IQ 9 AC पहले ओपन किया है OLX को, और अभी गाइस गेम कर दे। सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग दोनों में सबवे सफर को इंस्टॉल करेंगे, दोनों ही फोन में सेम वाईफाई कनेक्टेड है। तो गाइज तो पता नहीं बैकग्राउंड से नॉइज़ वगैरह आ रही फिर नहीं, तो गाइज उसके ऊपर फोकस मत करो। और गाइज पर देखते हैं दोनों ही फोन में सबवे सफर गाइज कौन सा फोन में फर्स्ट। तो यहाँ पर गलत एप्लीकेशन को मैंने मतलब इंस्टॉल कर दिया था, दोनों ही फोन में सबवे सफर को करते हैं, तो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, आप लोग बोल नहीं सकते गाइज कि पहले मैंने बताया कि यहाँ पर नेटवर्क की वजह से हुआ है, तो ये नहीं बोल सकते। और उसके बाद यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही फोन में सेम टाइम पर मैंने सबवे सफर को इंस्टॉल किया, और देखते कौन सा फ़ोन में डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा फास्ट है। सो गाइस यहाँ पर IQ 9 AC में डाउनलोड हो चुका है, मतलब होने ही वाला है, तो IQ Neo 6 में भी थोड़ा सा बाकी है, तो IQ 9 AC यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड में थोड़ा सा Neo 6 से फास्ट है।
सो गाइज यहाँ पर आई क्यू 9 एसी में फर्स्ट डाउनलोड हुआ है, और गाइज यहाँ पर अभी तक आई क्यू नियो 6 में डाउनलोड हो रहा है तो हो चुका है अभी। सो गाइज यहाँ पर आई क्यू 9 एसी में यार 888 का प्रोसेसर लगा है तो फर्स्ट तो होना ही है ना, X1 का कोर है प्रोसेसर में। तो गाइज चलो यार अभी पबजी मोबाइल और सबवे सफर को दोनों गेम को ऑन करते हैं, कौन सा फ़ोन फर्स्ट ओपन होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबवे सफर को हम लोग ऑन कर रहे हैं, और गाइज यहाँ पर एज कुछ दिखा रहा है तो फिर से यार कट के करते देखते कौन सा फ़ोन पहले ओपन होता है, तो 3-4 बार हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो चलो यार एक बार कंप्लीट हो चुका है, दूसरे बार करते हैं। रिसेंट से मैंने हटा दिया दोनों ही फ़ोन से। सो यहाँ पर गाइज लोडिंग स्क्रीन तो एज दे देते हैं गाइज, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है एज स्क्रीन पर, तो देखते हैं 39 मेरा 16 साल 37 भाई कितना है, यहाँ से कोई भी नहीं तो आप लोग गेस करो कितना उम्र होगा मेरा, मजाक था कोई ना, गेस करना नहीं होगा। तो गाइज चलिए अभी चलते स्क्रीन पर और अभी फिर से करके देखते हैं, बैकग्राउंड से हटाते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ओपन करते हैं। मेरे को डाउट फील हो रहा है भाई यहाँ पर आई क्यू नियो 6 इतना फास्ट कैसे हो सकता है लास्ट टाइम। ओके सो आई क्यू नियो 6 लगता है, हाँ आई क्यू नियो 6 यहाँ पे विनर है क्लियर। और अभी हम करके देखेंगे पबजी मोबाइल को, सॉरी यार BGMI को ऑन करेंगे और देखते कौन सा फ़ोन फास्ट ओपन होता है। अगर बोले आईफोन के बाद यहाँ पर आई क्यू के फ़ोन सबसे पहले गेम को लोड कर देता है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है गेमिंग के लिए भाई। आई क्यू का फ़ोन यार एंड्रॉयड के अंदर मेरे को लगता है अभी के टाइम पे बेस्ट है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे भी जाएगा। तो कैसे यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ पर आई क्यू नियो 6 और नीचे का आई क्यू 9 AC, तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस है यार दोनों ही फ़ोन में गेम ऑन होने। तो गाइस चलो यार अभी देखते हैं दोनों ही फ़ोन में कितना FPS वगैरह सपोर्ट करता है। तो BGMI फिर से दोनों ही फ़ोन में ऑन कर देते, दोनों ही फ़ोन में रिसेंट पर एप्लीकेशन था। तो गाइस दोनों ही फ़ोन में देखते हैं, तो सेटिंग पे चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आई क्यू नियो सिक्स हमारे हाथ में, और सेटिंग पे चलते हैं, ग्राफिक्स पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को आई क्यू नियो 6 में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, स्मूथ में, बैलेंस में, एक्सट्रीम और HD पर एक्सट्रीम और HDR पर एक्सट्रीम 60 FPS सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी यार यहाँ के तो हम लोग देख ले तो HDR तक सपोर्ट करता है, अल्ट्रा HD भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे UHD अभी तक अवेलेबल नहीं है, आ जाए तो हो सकता है सपोर्ट कर ले। तो अगर 60 FPS नहीं देगा तो गाइस UHD क्या UHD भी दे दे तो भी भाई हम लोग नहीं खेलने वाले। तो अभी हम करने वाले IQ9 AC में। सो गाइस IQ9 AC हमारे हाथ में, और गाइस चलते ग्राफिक्स में, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट देखने को मिलता है और HDR प्लस एक्सट्रीम पर मिलता है, 90 FPS सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे देता है। तो फिर से एक वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले दोनों ही फ़ोन का, सो गाइस आप लोग इंतज़ार करना। और अभी देखते हैं दोनों ही फ़ोन कितना ज़्यादा हीट हुआ है, सॉरी उसके पहले रैम मैनेजमेंट करके देखते हैं कौन सा फ़ोन में कितना ज़्यादा अच्छा रैम लगाए और LPDDR5 का रैम लगाए दोनों ही फ़ोन में। तो गाइस चलिए यार स्टार्ट करते हैं वाइट स्टूडियो। तो गाइस यहां पर IQ Neo 6 लेफ्ट साइड का है, लोडिंग हो चुका है एक एप्लीकेशन, सो एक पॉइंट मिल जाता है हमारा IQ 9 AC को यहां पर रैम मैनेजमेंट में। और देख सकते हो फिर से एक बार आप लोगों को दिखा दिया कि भाई भरोसा नहीं है। तो गाइस यहां पर गूगल दोनों ही फोन में ऑन था। तो गाइस अभी देखते हैं फेसबुक को दोनों ही फोन में ऑन था, मतलब लोड था पहले से ही। और अभी देखते गाइस फ्लिपकार्ट फिर से IQ Neo 6 में लोड हुआ, दो पॉइंट दिया जाता है IQ 9 AC को रैम मैनेजमेंट के हिसाब से। और अभी चलते भाई यहां पर यह एप्लीकेशन भी दोनों ही फोन में ऑन था, इंस्टाग्राम। और अभी चलते हैं यूट्यूब पर, दोनों ही फ़ोन में लोड था, मतलब रिलोड नहीं हुआ कोई भी फ़ोन में। और कैसे पर IQ Neo 6 में फिर से यार लोड हुआ InShare, जो कि ऑन था IQ का 9 AC में, लोड था पहले से ही। तो कैसे अभी चलते यार यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में, तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन किया था हमने, सो गाइज चलो यार अभी करते हैं हम लोग PicsArt को, दोनों ही एप्लीकेशन ऑन था दोनों ही फ़ोन में, बैकग्राउंड पर लोड था। और अभी यहाँ पर OLX भी दोनों ही फ़ोन में बैकग्राउंड पर लोड था, और यहाँ पर प्ले स्टोर भी दोनों ही फ़ोन में बैकग्राउंड पर लोड था। और यहाँ पर अभी चलते गेम में सबवे सफर भाई लोड है दोनों ही फ़ोन में भाई। और अभी चलते यार देखते हैं पबजी मोबाइल BGMI हो सकते हैं ना हो, दोनों ही दोनों ही फ़ोन में भाई बैकग्राउंड पर चल रहा है दोनों ही फ़ोन में गेम। और भाई पर IQ9 AC यहाँ पर 3 पॉइंट आगे हो जाता है रैम मैनेजमेंट में, बहुत अच्छा वर्क कर रही है फ़ोन, कोई भी एप्लीकेशन को रैम से नहीं हटाया। और IQ Neo 6 अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन उससे अच्छा रैम मैनेजमेंट हम लोग को IQ9 AC में देखने को मिल रहा है। और भाई बैटरी परसेंटेज आप लोग देख सकते हो 76% बैटरी, और तो दस बज के 40 मिनट हो चुका है, 10 मिनट हमने किया होगा यार यहाँ पर रिकॉर्डिंग सब कुछ। तो गाइस देखते हैं फोन का टेम्परेचर कितना है, दोनों ही सेम टेम्परेचर था लगभग।
तो अभी देखते हैं टेम्परेचर कौन सा टच किया। तो गाइस IQ Neo 6 31.7% और IQ 9 33 टच कर गया, पार कर गया। तो गाइस यहाँ पर 888 ज़्यादा हीट होता है। और अभी वीडियो पूरा आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गाइस अभी आप लोग ओपिनियन बताओ कौन सा फोन आप लोग को बेटर लगा। और गाइस अगर आप कोई भी फोन को दोनों में से यूज़ कर रहे हो तो गाइस परफॉर्मेंस आप लोग को कैसा देखने को मिल रहा है, सही देखने को मिल रहा है, फिर लैग वगैरह देखने को मिल रहा है। तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस IQ 9 AC यहाँ पर थोड़ा सा हीट बीट हो जाता है, लेकिन IQ Neo 6 ज़्यादा स्टेबल फोन है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस IQ 9 AC का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैमरा थोड़ा सा अच्छा है IQ Neo 6 से। तो गाइस आप लोग का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप लोग कॉमेंट करके बताना। और गाइस तो अभी जाके हमारा वीडियो खत्म हो चुका है और टाइम दिखा था आप लोग, टाइम देख सकते हो 12 बजने में बस 10 मिनट बाकी है और अभी जाके हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। तो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब जो बनता है ना सब्सक्राइब कर दो भाई, और उसके साथ भाई बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जाना। और भी न्यू वीडियो आने वाला है, रियल मिक्स एंड मैक्स वर्सेस IQ 9 AC का साइड बाई साइड कंपेरिजन करेंगे और IQ Neo 6 वर्सेस रियल मिक्स एंड मैक्स वर्सेस IQ 9 AC तीनों का एंटू स्कोर का मतलब एंटू बेंचमार्क स्कोर का तो अभी तक नहीं किया, इस वीडियो में भी नहीं दिखा, तो तीनों का आने वाला है बहुत जल्दी। सब्सक्राइब करके रखो, सबसे पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तीनों का 1 ईयर का रिव्यू भी अपलोड करने वाला हूं, तीनों में गेम खेल के आप लोग दिखाने वाला हूं कौन सा फोन ज़्यादा अच्छा होगा गेमिंग के लिए, जायरोस्कोप गायरोस्कोप कौन सा फोन का ज़्यादा अच्छा है सब कुछ बताने वाले, एम कनेक्टिंग कौन सा फोन का ज़्यादा अच्छा है सब कुछ बताने वाले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपना भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना भाई, लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइस, टाटा।